बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है सब ग्रुप्स का। कल तक हमने इसके कुछ थ्योरम्स किए थे, आज हम इसके एग्जांपल नंबर 20 को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 18 और 19 को हम इंशाल्लाह क्लास में ही बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे आपको ऑनलाइन ज़्यादा क्लियरली समझ नहीं आएंगे, हम बोर्ड पर बना के उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 20 है। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या है आपके पास के लेट्स सी माइनस ज़ीरो बी द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर अंडर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। प्रूव दैट द सेट एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू सी जीरो सी माइनस जीरो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू वन इज अ सब ग्रुप, ठीक है। कि हमारे पास एक सब सेट है, जैसे एक सब आपके पास एक ग्रुप है कम्प्लेक्स नंबर का जीरो के अलावा, उसका एक सब सेट है एच, और एच में एलिमेंट कैसे हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है, ठीक है। और ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में एलिमेंट भी हों, और एलिमेंट की सर्टिफिकेशन कब होगी कि वो एच में है, कि जब वो कम्प्लेक्स नंबर हों और ऐसे कम्प्लेक्स नंबर हों कि जिनके रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्केयर का जो सम है वो आपके पास इक्वल टू वन है, तो सारे के सारे नंबर किस में है एच में है। तो एच होने के लिए क्राइटेरिया यह है कि एक तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो, एक उनके रियल का स्केयर पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर इक्वल्स टू वन हो, तो हमने शो करना है कि एच क्या है सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने एच के दो एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। हम लेट करते हैं कि एच के दो एलिमेंट हैं, एक आपके पास एक्स है और एक आपके पास वाई है। एक्स जो है वो है ए वन प्लस आयोटा बी वन, और जो वाई है वो ए टू बी प्लस आयोटा बी टू। एक्स वाई इनवर्स फाइंड करेंगे, एक वो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होना चाहिए, और फिर जो भी आंसर हमारे पास आएगा उसके इमेजिनरी पार्ट का स्केयर प्लस रियल पार्ट का स्केयर करेंगे, आंसर में वन आना चाहिए, तब भी एच क्या होगा आपके पास सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो मैं इसके डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट करती हूँ। लेट ए वन प्लस आयोटा बी वन ए टू प्लस आयोटा बी टू बिलोंग्स टू एच, कि हमने एच के दो एलिमेंट ले लिए हैं। अगर ये एच को बिलोंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली ए वन स्केयर प्लस बी वन स्केयर भी इक्वल्स टू वन होगा, एंड ए टू स्केयर प्लस बी टू स्केयर भी इक्वल्स टू वन होगा। ये कन्फर्म है क्योंकि हमने एच के ही दो एलिमेंट लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने के पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स बाय फर्स्ट ग्रुप टेस्ट, ये भी आंसर में एक कम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए और उस कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर वन के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर एक कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। यहाँ के पास हो जाएगा ए वन प्लस आयोटा बी वन, ऊपर माइनस वन पावर है, नीचे आके प्लस वन हो जाएगी। अब अगर हमें कम्प्लेक्स नंबर का आइडिया है कि अगर डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, आयोटा वाली फॉर्म आ जाए, तो हम उसको कॉन्जुगेट रैशनलाइज करते ताकि आयोटा नीचे से ख़त्म हो जाए। ये हो जाएगा ए टू माइनस आयोटा बी टू, हो जाएगा आपके पास ए वन प्लस आयोटा बी वन इंटू ए टू माइनस आयोटा बी टू डिवाइडेड बाई ए टू का स्केयर माइनस आयोटा बी टू का स्केयर। ये हो जाएगा ए वन ए टू माइनस आयोटा ए वन बी टू प्लस आयोटा बी वन ए टू माइनस आयोटा स्केयर बी वन बी टू डिवाइडेड बाई ए टू का स्केयर, आयोटा का स्केयर माइनस वन आएगा, माइनस माइनस प्लस बी टू का स्केयर। ये हो जाएगा ए वन ए टू माइनस आयोटा कामन ले लेते हैं, प्लस आयोटा कामन, अंदर आ जाएगा ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू माइनस आयोटा स्केयर का माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बी वन बी टू डिवाइडेड बाई ए टू का स्केयर प्लस बी टू का स्केयर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए टू का स्केयर प्लस बी टू का स्केयर किसकी इक्वल है, वन की इक्वल है, तो ये आपके पास नेक्स्ट में क्या चला जाएगा, वन हो जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस आयोटा ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू डिवाइडेड बाय वन। ये आपके पास है अब देखिए ना, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म तो आ गई है, देखिए रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट। अब ये कम्प्लेक्स नंबर तो है, अब ये कम्प्लेक्स नंबर, ये जो ए वन प्लस आयोटा बी वन एक्स ए टू प्लस आयोटा बी टू का इन्वर्स, ये जो है ये आपके पास एच को बिलोंग करेगा कि अगर इस चीज़ का स्केयर प्लस इस चीज़ का स्केयर का आंसर किस की इक्वल आ जाए, वन की इक्वल आ जाए। तो अभी ये आपके पास एच को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, बट ए वन ए टू प्लस बी वन ए टू का स्केयर प्लस ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू का स्केयर लेना है। आंसर में अगर वन आता है तभी ये पूरी चीज़ क्या करती है, एच को बिलोंग करती है, क्योंकि एच की कंडीशन है कि एच को कौन बिलोंग करता है कि जिसके रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर इक्वल्स टू वन है। ए प्लस बी का स्केयर ओपन कर, ये हो जाएगा ए वन स्केयर ए टू स्केयर प्लस बी वन स्केयर बी टू स्केयर प्लस टू ए वन ए टू बी वन बी टू।
यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए टू स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर बी टू स्क्वायर माइनस टू ए वन ए टू बी वन बी टू, ये हो जाएगा ये और ये आपस में कैंसल आउट, ये हो जाएगा ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर ए टू का ए वन का स्क्वायर बी वन का बी टू, इसमें भी ए वन स्क्वायर है और इसमें भी ए वन स्क्वायर है, तो यहाँ से ए वन स्क्वायर कॉमन लेती हूँ, अंदर बन जाएगा ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, यहाँ पे भी बी वन स्क्वायर है और यहाँ पे भी बी वन स्क्वायर है, बी वन स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो अंदर बन जाएगा बी वन स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर भी वन की इक्वल है और ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर भी वन की इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए वन स्क्वायर इंटू वन प्लस बी वन स्क्वायर इंटू वन, ये हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, ये भी आपके पास किसकी इक्वल है वन के दस। अब देखिए सारे क्राइटेरिया पूरा हो गया है कि ये इसका जो आंसर है वो एक कम्प्लेक्स नंबर भी है और एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आंसर में वन दे रहा है, तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये किसको बिलोंग कर जाएगा, एच को बिलोंग कर जाएगा, ये बिलोंग करेगा एच को। हैंस एक हमने एच के दो एलिमेंट लिए और उसके इस तरीके से लिए हमने पास ना एच सब ग्रुप होता है कि अगर एक्स को दो एलिमेंट बिलोंग कराएं और एक्स वाई इनवर्स भी अगर एच को बिलोंग कर जाए तो एच सब ग्रुप होता है, हमने दो एलिमेंट लिए और एक्स वाई इनवर्स वाली जो फॉर्म है वो भी एच को बिलोंग कर गया, तो हैंस एच इज सब ग्रुप ऑफ सी माइनस सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो भी सेम इसी तरीके से है, इसमें आपने क्या लेना है कि आपके पास जो एच है उसमें उसमें हमारे पास सेट फॉर्म में गया, मतलब इसमें एच हमारे पास जो है उसमें एलिमेंट है ए प्लस बी स्क्वायर रूट टू टाइप के, ए और बी रेशनल नंबर होने चाहिए बोथ और नॉट सिमल्टेनियसली जीरो, ए और बी दोनों एट अ टाइम जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, शो दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ द नॉट जीरो अंडर मल्टीप्लीकेशन, कि हमारे पास जो एच है वो बेसिकली इस तरीके से है। तो हमने h के दो एलिमेंट लेने हैं, हम लेट कर लेते हैं कि x आपके पास है a1 प्लस b1 स्क्वायर रूट 2 और जो y है वो इक्वल है a2 प्लस b2 स्क्वायर रूट 2, आपने x y इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, x y इनवर्स फाइंड करने के बाद जिसका आंसर आना चाहिए वो भी आपके पास इसी टाइप का ही आना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी तरीके से है, उसमें जस्ट स्क्वायर रूट 2 इसमें स्क्वायर रूट 5 है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम है। मैं इसका आपको सोल्यूशन सेंड कर लूँगी सेम इसी तरीके से जैसे अभी मैंने अभी एग्जाम्पल आपको कराई है, अगर कोई भी मसला हुआ तो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, अब तो कुछ नहीं आना क्योंकि सेम बिल्कुल यही तरीका है जो मैंने अभी आपको कराया। ठीक है, फिर उसको देख लीजिए एक दफ़ा, जो मसला हुआ मैं आपको करा दूँगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 के एच बी द सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड ए बिलोंग्स टू जी, इफ़ एच ए होल इनवर्स इक्वल हो एच ए होल इनवर्स स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, देन शो दैट एच ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एच इज अ सब, या आपके पास ए इनवर्स एच के इक्वल होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 2.2, उसमें हमें दो चीज़ें गिवन है, एक है कि एच ए जो होल इनवर्स है वो इक्वल है अगर एच ए होल इनवर्स फॉर एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, देन हमने शो करना है कि एच ए होल इनवर्स का जो आंसर है वो इक्वल होना चाहिए ए इनवर्स एच को। अच्छा, अब मैं इतने अपनी ये चीज़ याद रखनी है सेट थ्योरी में स्पेशली। ठीक है, कि सेट थ्योरी में स्पेशली दो सेट आपस में बराबर कब होते हैं। ठीक है, कि अगर लेट्स से कि ए और बी आपके पास दो सेट हैं, इनको अगर बराबर प्रूफ करना है तो इसका सबसे आसान तरीका ए को बी का सबसेट प्रूफ करा लें और बी को ए का सबसेट प्रूफ करा लें। अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो एट अ टाइम, तो इसका मतलब है कि ए और बी आपस में क्या थे, बराबर थे। तो हमने अगर इन दोनों को बराबर प्रूफ कराना है तो हम इसको इसका सबसेट कराएंगे और इस सेट को इसका सबसेट प्रूफ कराएंगे। अगर हम दोनों में कामयाब हो गए तो इसमें दोनों इक्वेशन से हमारे पास ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो गिवन दैट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, गिवन दैट किसी न किसी सारी पेपर में सारी इक्वेशन आए हुए, हम लेट करते हैं कि एक स्मॉल एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग करता है एच ए होल इनवर्स को, तो ऑब्वियस ही बात है एक्स पे कैसे होगा, अगर एक्स इसको बिलोंग करता है तो एक्स में इस तरह के एलिमेंट होंगे सारे। तो हम लेट करते हैं कि एक्स एलिमेंट है एच ए होल इनवर्स जिसमें एच जो है वो कैपिटल एच को बिलोंग करता है। अब जो इनवर्स है ना वो हमें पता है कि इनवर्स ओपन कैसे होता है, इनवर्स हमारे पास ओपन होता है रिवर्स ऑर्डर में, तो पहले ए का इनवर्स और फिर एच का इनवर्स। अब जो एच अगर एच को बिलोंग करता है तो ऑब्वियस ही बात है एच इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा। तो इसको मैं ले सकती हूँ कि एक्स बिलोंग करता है ए इनवर्स कैपिटल एच को, जब मैंने एलिमेंट लिखा था ना एक्स बिलोंग करते इसको मतलब एक्स जो है वो एच के किसी एलिमेंट के इक्वल है, इसके इक्वल था। अगर एच इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है तो एक्स बिलोंग करेगा ए इनवर्स कैपिटल एच को, हमने एक्स लिया किसका एलिमेंट था इसका, आया किसका इसका, तो इसका मतलब है कि ये सेट जो है
एच ए होल इनवर्स, ये सब सेट है किसका, ए इनवर्स एच का, इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दे। अगेन अब हम इसका एलिमेंट लेंगे और इसको बिलोंग कराएंगे। अगेन वाई जो है वो बिलोंग करता है ए इनवर्स एच को। अगर एक्स वाई जो है ए इनवर्स एच को बिलोंग करता है तो वाई एच के किसी एलिमेंट की इक्वल होगा, हम लेट करते हैं कि वाई जो है वो एच के इक्वल है। अब यहाँ से इसको मैं लिख सकती हूँ कि वाई जो है वो इक्वल है एच इनवर्स ए होल इनवर्स के। देखिए अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या बनेगा, ए इनवर्स और एच इनवर्स के इनवर्स एच, जिसमें जो एच है ठीक है वो बिलोंग करता है, एच इनवर्स जो है वो एच को बिलोंग करता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसका इसको मैं लिख सकती हूँ कि वाई बिलोंग करता है एच ए होल इनवर्स, क्योंकि एच इनवर्स अगर एच को बिलोंग करता है, ठीक है, एच क्योंकि सब ग्रुप है ये तो कन्फर्म है, एच अगर सब ग्रुप है ठीक है, और एच अगर एच को बिलोंग करता है तो एच इनवर्स भी एच को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि ये एक एच का एलिमेंट है। तो मैं जब पूरा सेट लिखूंगी फिर मैं बिलोंग का लफ्ज लिखूंगी, ठीक है। एच ए और होल इनवर्स लिया किसका था, ए इनवर्स एच का, आया किसका, सबसेट ऑफ एच ए होल इनवर्स, इसको इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन के अकॉर्डिंग एच ए होल इनवर्स सबसेट है ए इनवर्स एच का, और इक्वेशन नंबर टू के अकॉर्डिंग इसका रिवर्स है। तो अब लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू ए इनवर्स एच इज सबसेट ऑफ, सॉरी फ्रॉम वन एंड टू क्या है, एच ए होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एच एज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है कि लेट एच एंड के बी द टू सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, के एच एंड के अगर दो सब ग्रुप हों जी के, ठीक है, फॉर एनी स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, तो जी का कोई भी स्मॉल एलिमेंट जो कैपिटल जी को बिलोंग करता हो, तो जी ऑफ जी इंटू एच इंटरसेक्शन के इक्वल होगा जी एच इंटरसेक्शन जी के। हमने इस चीज़ को प्रूफ करना, इक्वल बिल्कुल प्रूफ करना है, सेम टेक्निक लगाएंगे, इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट प्रूफ करेंगे। तो लिखते हैं गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 17, given that H and K are subgroup of G, we have to show that G H intersection G K equal है G into H intersection के। इसका एलिमेंट लेते हैं, इसको बिलोंग कराते हैं, इसका एलिमेंट लेते हैं, इसको बिलोंग कराते हैं। फॉर दिस लेट x बिलोंग्स टू जी एच इंटरसेक्शन जी के। अगर x इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो एट्स ऑब्वियस ही बात है इसको भी बिलोंग करेगा, इसको भी, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो ऑटोमेटिकली वो सेट के हर एलिमेंट को बिलोंग करता है, तो दोनों सेट्स को बिलोंग करता है। तो x बिलोंग करता है जी एच को भी और x बिलोंग करता है जी के को भी। यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है, दोनों साइड पे जी इनवर्स अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा जी इनवर्स बिलोंग करता है जी इनवर्स जी एच को, और जी इनवर्स बिलोंग करता है जी इनवर्स एक्स बिलोंग करता है जी इनवर्स जी के को। अब जी इनवर्स जी क्या हो जाएगा, ग्रुप के, अब देखना ऊपर मेंशन है कि फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स किसको बिलोंग करेगा। अगर ग्रुप का एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में आइडेंटिटी देता है, तो ये बन जाएगा जी इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू ई इनटू एच, मतलब जी इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू एच और जी इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू के। अब देखें जी इनवर्स एक्स एच को भी बिलोंग करता है और के को भी, तो इनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। दोनों साइड पे अगेन जी को अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी बन के सिर्फ एक्स रह जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा जी इंटू एच इंटरसेक्शन के को। हमने एलिमेंट लिया किसका, हमने एलिमेंट लिया किसका था जी एच इंटरसेक्शन जी के का, और आया किसका जी इंटू एच इंटरसेक्शन के का, मतलब ये इसका सबसेट है, विच इम्प्लाइज दैट जी एच इंटरसेक्शन जी के इज सबसेट ऑफ जी इंटू एच इंटरसेक्शन के, इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दे। अब हम इसका एलिमेंट लेंगे और इसको बिलोंग कराएंगे। लेट वाई बिलोंग्स टू जी इंटू एच इंटरसेक्शन के। अब अगर वाई इनको बिलोंग करता है दोनों साइड पर जी इनवर्स अप्लाई कर देते हैं, जी इनवर्स बिलोंग कर जाएगा, सेम मैं रिवर्स स्टेप में ही चलाऊंगी तकरीबन, तो जगह जी इनवर्स वाई बिलोंग कर जाएगा एच इंटरसेक्शन के को।
अब अगर इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो एच को भी बिलोंग करेगा और के को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में चीज़ आती कब है, जब दोनों सेट्स में मौजूद हो। दोनों सेट पे जी अप्लाई कर देते हैं, जी अप्लाई किया, जी आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगा, वाई बिलोंग कर जाएगा जी एच को और वाई बिलोंग कर जाएगा जी के को। अब वाई अगर जी एच को भी बिलोंग कर रहा है, जी के को भी बिलोंग कर रहा है, दोनों के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, तो वाई बिलोंग कर जाएगा जी एच इंटरसेक्शन जी के को। अब हमने लिया किसका एलिमेंट था, जी इंटू एच इंटरसेक्शन के का, आया किसका, इसका। तो दोनों को यूज़ करके कंडीशन क्या बनेगी, जी एच इंटरसेक्शन जी के, सॉरी कंडीशन क्या बनी थी, जी इंटू एच इंटरसेक्शन के सबसेट ऑफ जी एच इंटरसेक्शन जी के, इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम। इक्वेशन नंबर वन के अकॉर्डिंग ये आपके पास इसका सबसेट था, इक्वेशन नंबर टू के अकॉर्डिंग ये इसका सबसेट है। और सेट थ्री के अकॉर्डिंग अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो मतलब दोनों सेट आपस में बराबर हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, जी टू एच इंटरसेक्शन के इक्वल है जी एच इंटरसेक्शन जी के एज रिक्वायर्ड। यहाँ तक किसी को कोई भी मसला है तो डिस्कस कर लें, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसके जो साइक्लिक ग्रुप वाले थ्योरम टॉपिक हैं उसको डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स वगैरह हैं उनको सॉल्व वगैरह करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी मसला है तो पर्सनल में डिस्कस कर लें। अल्लाह हाफिज़।